Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. तो आज बेसिकली मैंने सोचा है कि समाहर बहुत हो गया. Now I think you know you should come back on YouTube और बस अब YouTube पे ब्लॉग्स बनाओ. तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वापसी डेली ब्लॉगिंग शुरू करूँ. तो अभी हम 1 week ऑफ डेली ब्लॉगिंग करेंगे, ये फिर 1 week ऑफ 2 weeks कर लेंगे. तो अभी बेसिकली मैं सुबह सुबह उठी हूँ और बस मैंने अपना हाथ मुँह धोया है एंड आज से मैंने सोचा है कि मैंने हेल्दी खाऊँगी. बस बहुत हो गया सब कुछ, तो मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वरीशा सो रही है एंड आई डोंट वॉन्ट कि वो डिस्टर्ब हो. तो अभी हम पहले चेक करते हैं अगर अंडे हैं तो अंडे बॉयल पर करते हैं, बाबा को भी नाश्ता देते हैं और हाँ चले. अच्छा तो खैर मैं किचन में आ गई हूँ एंड ये ना मुझे एक टी आई थी, एलो ब्लॉसम हर्बल टी है, फॉर एवर लिविंग की आई थी और इनके कुछ हमारे पास पैकेट्स हैं. तो ये ना मैं आज से पीना स्टार्ट कर दूँगी बिकॉज मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है. तो अच्छा है, आप लोगों को भी इसका रिज़ल्ट पता चल जाएगा. मैं पेज टैग कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ये मैंने जहाँ से ली है एंड अभी मैं चाय चढ़ा रही हूँ फूड पप्पा. सो खैर आप लोग जो है ना मुझे इन चीज़ों पे जज नहीं करेंगे कि वो समाहिर तुमने तो बोला था कि तुम हेल्दी खा रही हो तो तुम ये क्या खा रही हो वो क्या खा रही हो. मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हेल्दी खाऊँ एंड मैं जो हूँ मतलब यू नो बस बैलेंस रखो और मैं रोटी या चावल नहीं खाऊं, ब्राउन ब्रेड खा लूं, सैंडविचेस खा लूं, अंडे खा लूं. और अगर चावल खाऊंगी तो लाइक द वो जो छान के वो जो होता है ना स्टीम राइस होता है वो खाऊं. मतलब आई सी, तो कोई बहुत वो नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट डाइट 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 करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है. बस मैं कोशिश कर रही हूँ सो दैट्स इट. एंड ऑल्सो आजकल मेरी ना स्किन और हेयर इतने ज़्यादा ख़राब हो गया, तो अगर आप लोगों को कुछ पता हो ना समथिंग जिससे मेरे बाल सही हो जाए. मैं सोच रही थी हेयर PRP करवा लूँ या कुछ करवा लूँ लेकिन मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं. तो कुछ करना है बालों में भी, अब ना बिल्कुल अच्छी रूटीन में आ जाना है बिकॉज शादी आने वाली है. अभी नहीं आगे थोड़ा टाइम है, सबर करो, आने वाली है लेकिन थोड़े टाइम में. जब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ लेकिन आप लोगों ने हंसना नहीं है. मैं इतनी ज़्यादा हर महीने सोचती हूँ अब मैं डाइट करूँगी, अब मैं पतली होंगी, अब मैं ये करूँगी. उसके लिए आई हैव लिटरली 1 full pack, 2 full pack, 3 full pack, 4 full pack. ये सारे के सारे फुल पैक्स ऑफ ग्रीन टीज मेरे पास रखे हैं जो कि मैंने आज तक नहीं पिए हैं, बट अब मैं पीऊँगी और अब मैं दिन में 5 cup ग्रीन टी के पीऊँगी ताकि खत्म फिनिश टाटा बाय बाय. सो अभी मैं बाहर आई हूँ, मैंने बोला इतने दिनों बाद में तुम लोगों को मौसम चेक कराऊँ कितना गंदा हो रहा है. ओ माई गॉड आई कैन नॉट बेयर दिस, नो 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 नो, लेट्स गो इन साइड, बहुत गंदा मौसम हो रहा है. एनी वेज अब मैं लंच बना रही हूँ अपना एंड आई शो यू गाइस कि मैं क्या लंच बना रही हूँ. वट आई एम मेकिंग इज दैट वो चपली कबाब आते हैं ना, तो लाइक विदाउट ऑयल मैंने उसको कवर करके रख दिया है. तो कुछ टाइम में इसमें से खुद ही पानी निकलेगा एंड ऑयल मतलब उसमें पक जाएगा कम्प्लीटली. सो वी विल हैव दिस विद ब्राउन ब्रेड और यस. सो जैसे सी की कम्प्लीटली कुक हो चुका है, मैं टोमेटोज भी थोड़े से कर रही हूँ बिकॉज आई लव टोमेटो सैंडविचेस के अंदर. अब सैंडविच बनाते हैं और खाते हैं. मैं भी झूठ कह रही है गाइज, यहाँ पे जो है ना मम्मा को फिर शौक चढ़ा है कि जो है ना मैं रोक लेती हूँ मेविश को, जैसे लास्ट टाइम मेविश झुकी थी. मेविश तुम अगर अब तुम गई ना छोड़ के तो फिर देखना. ओके गाइज, जस्ट एन अपडेट, अभी हम सब लोग रेडी हो चुके हैं, मैं मम्मा वरीशा और हम लोग जा रहे हैं वरीशा के दूसरे घर में. हम लोग अदनान भाई के घर जा रहे हैं एंड वहाँ पे वरीशा को कुछ शूट वगैरह करना है. सो अभी हम सब लोग वहाँ जा रहे हैं और मैंने कितना मज़े का लाइनिंग लगाया है चेक कर रहे हैं आप लोग. मैं इतनी बोर हो रही थी, मैं भी चलती हूँ तो व्लॉग भी बन जाएगा और थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी. एंड बिकॉज अब मैंने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करने का फैसला लिया है तो मैं हर जगह जाऊँगी क्योंकि मुझे हर जगह जाना है. फिलहाल बहुत गर्मी हो रही है, मैं टेरेस में आई थी थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बना रही थी, बट इट्स टू हॉट, लेट्स गो इनसाइड, थोड़ी देर में निकलते हैं फिर आपको भी साथ लेके चलते हैं. सो हम सब निकल चुके हैं और ये सारी लाइटें वाइटें रख ली हैं, हम तीनों जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है. पता नहीं मुझे किस पागल ने काटा था कि मैं आज के दिन में काला जोड़ा पहन लूँ गर्मी में, तो मुझे और मज़ीद गर्मी लगा. फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अभी सेटअप वगैरह लगा रहे हैं फिर आपको भी दिखाते हैं. थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी ज़्यादा नहीं, तो मुझे शूट करना है यहाँ पे वरीशा का शूट होगा. मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी बिकॉज मुझे एक्सपोज नहीं करना कुछ भी, तो बस इधर खड़ी होगी वरीशा, इधर मट्टी में खड़ी होगी. नहीं मैं और बकिया कुछ दिखाना नहीं चाह रही ना बिकॉज वो अभी सब कुछ डेकोरेट हो रहा है. कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे,
और जिसने और जिसने एक्चुअल में मेहनत की, वेट अ मिनट, मेरा माइक कहाँ है? माहिर वो घर पे है। अच्छा, कोई नहीं, हाँ तो मेहनत मैंने ही बहुत की है। आंटी आंटी हाय कर दे मेरे व्लॉग में। अब मैं थोड़ा जरा व्लॉग वापसी बना रही हूँ ना, तो आज से शुरू कर रही हूँ। अब आप लोगों के साथ मेरी स्टार्ट हुई है, तो आगे भी अच्छा ही रहेगा। थैंक यू आंटी। भी मैंने आप लोगों को दिखा दी यहाँ पे, लोगों का शूट व्यूट तैयारी श्यारी हो रही है, और अभी हम क्या काम करते हैं, पूरा घर सेट करके पूरा घर उल्टा कर दिया इन लोगों ने। This looks very aesthetic. Coco, यार ये लिफ्ट ही नहीं करवाता मुझे। Coco, मेरा गुंडा। अजान भाई ने छुपकली रेस्क्यू करी है, प्लीज शो। ओह सो क्यूट। वैसे है कितनी क्यूट ना, देखिए जिंदा है, मर गई, जिंदा है, हिल रही है। गिरे नहीं बस। मम्मा आपके लिए एक सरप्राइज है, देखे तो प्लीज, आपके लिए है सरप्राइज। या मेरे मालिक। अजलान शाह ने छुपकली रेस्क्यू करी, वो भी बेबी बेचारी इंजर्ड हुई भी है। हाँ क्या हो गया। और अभी हम लोग यहाँ पे पिज्जा पार्टी कर रहे हैं, सब बैठ के, सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमने पिज्जा पार्टी करी और जावी फ्राइज पार्टी कर रहे हैं, खाओगे? वाओ इनका शूट चल रहा है यहाँ पे। जावियार जी 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 जी, हाँ हम फाइनली जा रहे हैं घर वापसी। और ये मेरी शक्ल कैसी आ रही है इसमें, कहीं से कुछ कहीं से कुछ, यहाँ से सही आएगी। और यहाँ से हम लोग फाइनली घर जा रहे हैं। बाय बाय। एंड वी आर होम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग डे। और घर आ कितना अच्छा लग रहा है, और मेरा कैमरा है ही गंदा, है ही गंदा, क्या करूँ मैं। सो आई थिंक आई शुड एंड माई व्लॉग हियर, बिकॉज काफ़ी लंबा व्लॉग हो चुका है, और एडिट करने की बात ही पता चलेगा कितना लंबा है। बट मैंने पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करा, एंड आई होप मैं आगे भी सारे दिन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया, और आप चाहते हैं कि मैं डेली व्लॉगिंग वापसी स्टार्ट करूँ, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।